जिला कांगड़ा में श्री चामुंडा नंदीकेश्वर धाम, श्री बज्रेश्वरी देवी, श्री ज्वालामुखी मंदिर और श्री बगलामुखी सहित काफी मंदिर है जहां पर जाकर दर्शनों के लिए अभी लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। 80 दिन बीत जाने के बावजूद भी मंदिरों के कपाट आज भी श्रद्धालुओं के लिए नहीं खुल पाए हैं। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से देश भर के तमाम मंदिरों और मॉल्स को नियम और शर्तों के मुताबिक खोलने की गाइडलाइन जारी की जा चुकी है, फिर भी हिमाचल सरकार ने एहतियात अपनाते हुए मंदिरों के कपाट खोलने में अभी कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई है। डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कहा कि MHA की जो गाइडलाइन आई है उसे स्टडी किया जा रहा है। मंदिरों के संबंधित SDM से मीटिंग की गई है जिसमें पुजारियों, सुरक्षा कर्मियों सहित स्टाफ को ट्रेनिंग देने की बात कही गई है जिससे कि कोरोना का संक्रमण ना फैले। ऐसी समुचित व्यवस्था मंदिरों में हो जाए उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि मंदिर कब खोले जाने हैं। मंदिरों को लेकर इसी सप्ताह से ट्रायल शुरू किया जा रहा है जो कि पूरे सप्ताह तक चलेगा। इसमें हम तैयारियों को परखेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि हम मंदिर खोलने की सुरक्षित स्थिति में हैं। इसके बाद ही आगामी फैसला लिया जाएगा। डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कहा कि होटलों व रेस्टोरेंट्स के लिए प्रदेश सरकार से भी गाइडलाइन आनी अभी बाकी है कि होटलों व रेस्टोरेंट स्टाफ को किस तरह ट्रेनिंग दी जानी है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद भी कॉन्फिडेंस पैदा करना होगा कि हमारी तैयारियां पूरी हैं, उसके बाद ही मंदिरों, होटलों व रेस्टोरेंट को खोलने की दिशा में काम उठाए जाएंगे। होटलों को लेकर पर्यटन विभाग की ओर से स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर SOP जारी होगी। उनका अध्ययन करने के उपरांत स्थानीय होटल व्यवसायियों से बैठक की जाएगी और उनसे फीडबैक भी लिया जाएगा कि हमें और क्या-क्या इंतजाम करने की जरूरत है, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। सीमा भी हमने अपने लिए निर्धारित नहीं किया है। MHA की जो गाइडलाइंस आई हैं उनको स्टडी किया जा रहा है। आज ही मंदिरों के जितने भी हमारे SDMs हैं उनके साथ सुबह बैठक की गई है और पहले तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे मंदिरों में काम करने वाले पुजारी हैं या वहाँ पे गार्ड्स हैं, यहाँ पे कर्मचारी हैं, उनको हम पहले ट्रेन करें और उतनी सुविधाएं मुहैया करवाएं ताकि कोरोना को लेकर कोई संक्रमण फर्दर न फैले। ऐसी समुचित जब व्यवस्था मंदिरों में हमारी हो जाएगी उसके उपरांत ही किस डेट को मंदिर खोले जाएंगे ये डिसाइड किया जाएगा। साथ ही जो होटल्स और रेस्टोरेंट्स की बात की जा रही है उसके लिए एक प्रॉपर जो गाइडलाइन है हमारे स्टेट गवर्नमेंट से भी आनी बाकी है और जैसे ही ये गाइडलाइंस प्राप्त होती हैं किस प्रकार की ट्रेनिंग हमारे स्टाफ को देनी है, रेस्टोरेंट के स्टाफ को, होटल के स्टाफ को, वो सारी ट्रेनिंग्स होने के बाद और जब तक कि ये कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो जाता है कि हम कोरोना से अपने आप को बचा सकते हैं इन मंदिरों को या फिर इन हमारे जो होटल्स हैं उनको खोलने के बाद, जब तक इस प्रकार का कॉन्फिडेंस नहीं पैदा होता है उससे पहले हम किसी को भी अभी खोलने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। सर, जैसे कि आपने बताया कि आज बैठक भी आपने इसको लेके की है, तो कब तक संभावना है और कब तक ये ट्रेनिंग देने का प्रोसेस है ये कब तक शुरू होगा? आज जो मंदिरों की संबंध में बैठक हुई थी उसमें क्लियर किया गया है कि हम ड्राई रन करना शुरू करेंगे इस हफ्ते, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि हर उस एस्पेक्ट पे हमारा फोकस हो जहाँ पे कोई गलती होने की संभावना है और ये पूरा हफ्ता चलेगा। हो सकता है कि अगले हफ्ते तक ऐसी संभावनाएं बन जाएं और जहाँ पर हमारी तैयारियाँ पूरी हों और उसके उपरांत एक ऐसा डिसीजन लिया जाए कि हम मंदिरों को खोल सकें। और होटलों को भी जो ट्रेनिंग देने का काम है, उनके स्टाफ को ट्रेन करने का काम है, वो कब तक जारी होगा? देखिए, इसमें न सिर्फ अभी ट्रेनिंग, अभी तो पहले हमें जो SOPs हैं उनको भी ढंग से फाइनलाइज करना है क्योंकि आप जानते हैं कि मैक्सिमम रश हमारे पास होता है धर्मशाला, मैकलोडगंज, पालमपुर में। इस संबंध में एक स्टेट स्तर से भी बैठक हो चुकी है और आने वाले समय में हम इंतज़ार कर रहे हैं कि टूरिज्म डिपार्टमेंट से एक कॉम्प्रिहेंसिव SOPs और गाइडलाइंस रिलीज होंगी। उसके उपरांत पहले तो जो हमारे होटल एसोसिएशन के लोग हैं उनके साथ बैठक की जाएगी और उनसे भी फीडबैक लिया जाएगा कि और क्या क्या हमें इंतजाम करने की ज़रूरत है। जब ये सारा समुचित प्रबंध हो जाता है उसके उपरांत ही इसके ऊपर कोई फैसला लिया जाएगा। अभी आई नहीं है, जब आ जाएगी तो फिर खोल देंगे मंदिर। मंदिर तो खोल दिया वैसे, अभी नोटिफिकेशन नहीं आई अभी तक। काफ़ी संख्या में आ जाते हैं लोग तो, और चौकी माता का मंदिर है, ये प्राचीन मंदिर है और बोलते हैं राजा के टाइम का मंदिर बना हुआ, ये उस टाइम का मंदिर है। ये अभी सजाया है, थोड़ी देर सैनिटाइज का छिड़काव हो रहा है और 10 से ज़्यादा बंदों को आने की इजाज़त नहीं है और डिस्टेंस
सोशल डिस्टेंस रखा गया है, उसके हिसाब से चलेंगे।